गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी तक आप सभी ने इस भाग में ओवल टूल और पॉलीगन टूल के मदद से बहुत से चित्रों को बनाया और साथ में आपने कमांड का भी प्रयोग किया। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और फिर MS पेंट की फाइल को ओपन करें। आज की क्लास में आप सभी जो सीखेंगे वह इस प्रकार से है। MS पेंट की फाइल में टाइप कैसे करते हैं, कीबोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल यानी कि फॉन्ट नेम अथवा राइटिंग को कैसे बदलते हैं, टेक्स्ट या फॉन्ट के कलर को कैसे बदलते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे। यह क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे और क्यों करते हैं। उसके बाद आप व्यू मेनू बार के विकल्प जैसे कि जूम इन, जूम आउट, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे। आइए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने पेंट की सीट पर अपने बारे में या फिर सामने दिए गए पैराग्राफ को देखकर टाइप करें और ध्यान रहे कि जब आप पेंट की सीट में टाइप कर रहे हों तो आपका टेक्स्ट बॉक्स नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर यह बॉक्स एक बार हट जाएगा तो आप फिर लिखे हुए टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी टाइप करने के बाद अपने टेक्स्ट बॉक्स को ना हटाएं। अब आप सभी टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज करना सीखेंगे। क्या आप सभी जानते हैं कि पेंट की सीट में टाइप करने के बाद टेक्स्ट की राइटिंग को बदलते कैसे हैं? पेंट की सीट में टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज करने के लिए आप सभी को फॉन्ट फैमिली के विकल्प का उपयोग करना होगा, जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट की राइटिंग को बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज करने से पहले क्या करना होता है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कोई फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको टेक्स्ट की लाइन अथवा फिर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सिलेक्शन करने से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आपको इस लाइन अथवा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। क्या आप सभी बता सकते हैं कि हम अपने टेक्स्ट, पैराग्राफ अथवा किसी लाइन को कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं? आप अपने टेक्स्ट या टेक्स्ट की लाइन और पैराग्राफ को तीन अलग अलग प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला माउस या फिर टचपैड के द्वारा, दूसरा कीबोर्ड के द्वारा। इसके लिए आपको शिफ्ट की के साथ साथ एरो की का उपयोग करना होता है। तीसरा शॉर्टकट कमांड के द्वारा जो कि कंट्रोल प्लस ए होती है। आइए वीडियो की मदद से देखते हैं कि किसी टेक्स्ट अथवा लाइन और पैराग्राफ को इन तीनों तरीके से कैसे सेलेक्ट करते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि आप अपने टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ को माउस या टचपैड के द्वारा कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को या कर्सर को लाइन के पहले रखें और फिर उसे लेफ्ट बटन को दबा के रखें अपने माउस या टचपैड के और फिर उसे ड्रैग करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लाइन या पैराग्राफ के सबसे लास्ट वाले लाइन पे रख के फिर इसे ऐसे लेफ्ट बटन को दबा के ड्रैग करें, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो ऊपर की तरफ माउस या टचपैड को ड्रैग करें, जिससे कि आपका यह लाइन या पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है तो उस लाइन के पहले रखे पॉइंटर को और फिर उसे ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप माउस या टचपैड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि शिफ्ट की और एरो की के मदद से सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जहां से आपको सेलेक्ट करना है आप अपने एरो को वहां पे लेकर आए। मान लीजिए हमें इस लाइन को स्टार्टिंग से सेलेक्ट करना है तो अपने पॉइंटर को स्टार्टिंग में रखेंगे और उसके बाद शिफ्ट की के बटन को दबा के रखेंगे,
और फिर राइट एरो की का उपयोग करेंगे क्योंकि हमें आगे की तरफ सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। राइट की को तब तक दबाएंगे जब तक हमारा यह लाइन या पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट ना हो जाए। इस तरह से आप शिफ्ट और राइट एरो की के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अनसेलेक्ट करना है, आप एक बार में ही लेफ्ट बटन को दबा दें, अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ एंड से सेलेक्ट करना है या दूसरे लाइन से सेलेक्ट करना है, तो आप अपने पॉइंटर को दूसरे लाइन के पहले जगह पे लेकर आए या ऐसे मूव करा सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, लेफ्ट और राइट एरो की के द्वारा। अब दूसरे लाइन के एंड में हम अपने पॉइंटर को या कर्सर को रखेंगे और फिर शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और फिर लेफ्ट एरो की के उपयोग से पीछे की तरफ लेकर आएंगे, जिससे कि आपका यह लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट होगा शिफ्ट और लेफ्ट एरो की के द्वारा। आपको इसे अनसेलेक्ट करना है, एक बार अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका कर्सर दूसरे लाइन के एंड में ब्लिंक कर रहा है। अब फिर इसे स्टार्टिंग पे लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की को दबाएं, जिससे कि आपका यह दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप शिफ्ट और डाउन एरो की के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप दूसरे लाइन के एंड में रखें या फिर पहले लाइन पे लेकर आए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप इसे डाउन करके नीचे की तरफ लेकर आए, दूसरे लाइन के एंड में रखें और इसके बाद शिफ्ट की को दबा के रखें, फिर अप एरो की का उपयोग करें, जिससे कि आपका यह लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। इसे अनसेलेक्ट करना हो आप अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, अनसेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप शिफ्ट की के साथ एरो की के द्वारा आप अपने लाइन, पैराग्राफ या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि शॉर्टकट कमांड के द्वारा आप अपने लाइन, टेक्स्ट या पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन को ढूंढें और उसे अपने एक हैंड के एक फिंगर से दबा के रखें और उसी समय ए के बटन को एक बार प्रेस करें, जिससे कि आपका पूरा पैराग्राफ या लाइन या टेक्स्ट जो भी है अपने टाइप किया वह सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। इसे अनसेलेक्ट करने के लिए आप अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें या अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कमांड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि फॉन्ट के राइटिंग को चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा, टचपैड या माउस के द्वारा या फिर शॉर्टकट कमांड के द्वारा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पॉइंटर को यहां पर लेकर आए, क्लिक करें, इसे फॉन्ट फैमिली कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं,
यहाँ पे क्लिक करके आप और नीचे की तरफ देख सकते हैं फॉन्ट के स्टाइल को, या फिर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यहाँ पे नीचे क्लिक करके, या फिर इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आ भी सकते हैं। अब इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सेलेक्ट किए हुए लाइन या पैराग्राफ पे वह फॉन्ट का स्टाइल आ जाएगा। दोबारा से चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट फैमिली में ही आना होगा, उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप इस तरह से आप फॉन्ट के राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। आइए अब टेक्स्ट अथवा नंबर के साइज के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट अथवा नंबर के साइज को बढ़ाते और कम कैसे करते हैं? टेक्स्ट अथवा नंबर के साइज को बढ़ाने और कम करने के लिए फॉन्ट साइज विकल्प का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट के साइज को बढ़ाते या कम कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, माउस या टचपैड के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा या शॉर्टकट कमांड के द्वारा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें जिसके साइज को बढ़ाना हो या कम करना हो। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पॉइंटर को फॉन्ट साइज पर लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में नंबर दिए गए हैं। अगर आप बढ़ते क्रम में लेकर जाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आपके टेक्स्ट का साइज जो है बढ़ता जाएगा, और उसे घटते क्रम में लेकर आएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आपके टेक्स्ट या फॉन्ट के साइज कम होता जाएगा। इसमें से जो भी आपको साइज परफेक्ट लगे या अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर लें, वह आपका सेलेक्ट किए हुए लाइन या पैराग्राफ पर फॉन्ट का साइज आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से आप अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें जिसके साइज को आपने बढ़ाया ना हो, उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉन्ट साइज पर लेकर आए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर से आपको जो भी फॉन्ट का साइज या टेक्स्ट का साइज रखना है उसे सेलेक्ट कर लें। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जैसे भी रखना हो आप रख सकते हैं। आपको इस फॉन्ट साइज का जो भी अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ध्यान रहे कि यह आपका बॉक्स हटना नहीं चाहिए जिस बॉक्स के अंदर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि टेक्स्ट अथवा नंबर के कलर को कैसे बदलते हैं। पेंट में किसी टेक्स्ट अथवा नंबर के कलर को बदलने के लिए आप कलर बॉक्स 1 का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें कि किसी टेक्स्ट अथवा नंबर के कलर को कैसे बदलते हैं।
आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट कलर को चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, फॉन्ट कलर करने के लिए आप सभी अपने टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद कलर पैलेट के अंदर से जाकर कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लें, जो कि वह आपका कलर वन में आ जाएगा, वहीं आपका फॉन्ट का कलर हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से मान लीजिए अगर आपको किसी और लाइन या टेक्स्ट की कलर को चेंज करना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आप कलर पैलेट के अंदर जाएं और इसमें से कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि अब वह आपका लाइन जिसे आपने सेलेक्ट किया है उस कलर में आ जाएगा। फिर से मान लीजिए आपको किसी और टेक्स्ट या लाइन को लाइन के फॉन्ट कलर को चेंज करना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, माउस के द्वारा, टचपैड के द्वारा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप चेंज करना चाहें। इस तरह से आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। आइए अब बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं बोल्ड से क्या होता है? बोल्ड से आप अपने टेक्स्ट अथवा नंबर को डार्क मतलब उससे गहरा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं बोल्ड के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? बोल्ड के लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+B होती है। अब आप सभी एक लाइन को बोल्ड करके दिखाएं। अगर बोल्ड करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बोल्ड कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को ऊपर लेकर आएं और एक लाइन को सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद अपने पॉइंटर को बी लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपने जिस लाइन को सेलेक्ट किया था वह बोल्ड हो जाएगा, यानी कि डार्क या गहरा हो जाएगा। ऐसे दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने कर्सर या पॉइंटर को बी लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आए, क्लिक कर दें, देखिए कि अब यह डार्क यानी कि गहरे कलर में आ जाएगा। फिर से दोबारा से सेलेक्ट कर लें। बी पर जाके क्लिक कर दें। अब देखें कि यह फिर से बोल्ड हो गया। फिर से सेलेक्ट कर लें। बी पर क्लिक कर दें। अब देखें कि यह बोल्ड से हट जाएगा, नॉर्मल व्यू में आ गया। तो इस तरह से आप बोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इटैलिक से क्या होता है?
इटैलिक से आप अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। क्या आप सभी बता सकते हैं इटैलिक के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? इटैलिक के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस आई होती है। अब आप किसी दूसरे लाइन को इटैलिक करके दिखाएं। अगर इटैलिक करने में कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इटैलिक कैसे करते हैं। इटैलिक करने के लिए आप सभी अपने टेक्स्ट या लाइन पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, माउस या टचपैड, कीबोर्ड या फिर शॉर्टकट कमांड के द्वारा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप आई लिखे हुए विकल्प पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और यहां पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका सेलेक्ट किया हुआ लाइन या पैराग्राफ इटैलिक हो जाएगा, यानी कि तिरछे व्यू में हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद सेलेक्ट कर लें दूसरे लाइन को या पैराग्राफ को, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप आई पे क्लिक कर दें। अब आपका जो आपने इटैलिक किया था वह हट जाएगा। फिर किसी और लाइन को सेलेक्ट करें जिसे आपको इटैलिक करना हो। सेलेक्ट करने के बाद आई लिखे हुए विकल्प पर जाकर क्लिक कर दें तो वह आपका इटैलिक हो जाएगा, या फिर शॉर्टकट कमांड का उपयोग कर लें कंट्रोल प्लस आई, जिससे कि वह इटैलिक हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर इसे हटाना हो तो फिर से आप शॉर्टकट कमांड के द्वारा भी इसे हटा सकते हैं। इस तरह से आप इटैलिक का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप सभी बता सकते हैं अंडरलाइन से क्या होता है? अंडरलाइन से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ की लाइन के नीचे एक लाइन को ला सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस यू होती है। अब आप किसी और लाइन को अंडरलाइन करके दिखाएं। अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो तो आप वीडियो की मदद से अंडरलाइन करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडरलाइन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें या टेक्स्ट को या लाइन को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यू लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से आप इसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यू लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि अब आपका अंडरलाइन हट जाएगा। फिर से आप अपने टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, या फिर आप किसी एक लाइन को सेलेक्ट कर लें और उसे आप शॉर्टकट कमांड के द्वारा अंडरलाइन करें, जो कि आपको कंट्रोल प्लस यू होता है। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन को हटाना है तो आप शॉर्टकट कमांड के द्वारा भी हटा सकते हैं। इस तरह से आप अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी फाइल मेनू बार के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या आप जानते हैं कि न्यू विकल्प से क्या होता है? न्यू से आप एक नए पेंट की फाइल अथवा पेज को ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि न्यू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है?
न्यू के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एन होती है। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें न्यू विकल्प का उपयोग कैसे और क्यों करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि न्यू विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, क्लिक करें लेफ्ट बटन, उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे न्यू लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि पेंट का नया पेज या नया फाइल आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस एन होता है। इस तरह से आप न्यू पेज ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ओपन से क्या होता है? ओपन से आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस ओ होता है। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं एमएस पेंट में ओपन विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ओपन विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप अपने पॉइंटर को फिर यहाँ पे लेकर आए, क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद ओपन लिखे हुए विकल्प पे अपने पॉइंटर को ले जाएं, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आप डेस्कटॉप, देखे हुए विकल्प को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करें, फिर आप अपने पेंट की फाइल को सर्च करें या ढूंढें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप अपने पेंट की फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम में उस फाइल का नाम आ जाएगा, या आप यहाँ पे अपने उस पेंट की फाइल का नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओपन लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका वह सेव की हुई फाइल ओपन हो जाएगी। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस ओ होता है, और आप इसे टाइटल बार में भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं फाइल को। आइए अब सेव और सेव एज के बारे में जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सेव का उपयोग क्यों करते हैं? सेव से आप अपने पेंट के पेज पर बनाए हुए चित्र या टाइप किए हुए टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसे फ्यूचर में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एस का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि पेंट की फाइल को सेव कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेव विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। सेव करने के लिए आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, क्लिक करें यहाँ पे लेफ्ट बटन, उसके बाद सेव लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको कंप्यूटर के लोकेशन को बताया जाता है कि आपको अपने फाइल को कहाँ सेव करना है। आपको जहाँ भी सेव करना है उस जगह को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर,
मान लीजिए आपको अपनी इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी इस फाइल का नाम को टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फाइल के नाम को टाइप करने के बाद सेव लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको। अभी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आप इसे टाइटल बार के अंदर चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पॉइंटर की मदद से। सेव करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस एस होता है। अब इसे चेक करने के लिए आप अपने फाइल को मिनिमाइज कर लें और डेस्कटॉप पे ढूंढें जिस नाम से आपने अपने फाइल को सेव किया है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने कंप्यूटर शिक्षा के नाम से फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पे, वह फाइल आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेव एज क्यों करते हैं? सेव एज से आप अपनी सेव की हुई फाइल के अंदर दोबारा से कुछ चेंज करके अथवा बदल कर उसी जगह और उसी फाइल नेम में सेव कर सकते हैं, और चाहें तो आप उस फाइल को किसी दूसरे नाम अथवा दूसरी जगह पर भी सेव कर सकते हैं। सेव एज के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। आइए अब वीडियो को देखकर समझते हैं कि सेव एज कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेव एज विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपका यह फाइल पहले से ही सेव है। अब इसे आप सेव एज करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेव एज के द्वारा आप अपनी इस फाइल के नाम को या लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ टाइप करने के बाद या कोई चित्र बनाने के बाद इसे सेव एज कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर सेव एज लिखे हुए विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की जगह या एड्रेस बताई जाएंगी, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, पिक्चर। इनमें से जहाँ भी आपको अपनी फाइल को सेव करना है उस जगह को सेलेक्ट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, फाइल नेम टाइप करना है और फिर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे कि अब आपका यह फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइटल बार में चेक कर सकते हैं, आप इस फाइल को मिनिमाइज करें। उसके बाद आप माई कंप्यूटर के अंदर जाएं, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे चेक करें जो कि आपकी फाइल यहाँ पे सेव हुई है। इस तरह से आप सेव एज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं पेंट में की गई ड्राइंग को अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर कैसे सेट करते हैं? इसके लिए आप सभी कोई भी एक ड्राइंग बनाएं, उसके बाद आप पेंट की फाइल मेनू के विकल्प से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के विकल्प को चुनना होता है, जिसके द्वारा आप अपने चित्र को अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर सेट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेट एज बैकग्राउंड का उपयोग कैसे करते हैं। आप अपने पेंट की शीट पर कोई भी एक ड्राइंग बना लीजिए, उसे आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, क्लिक करें यहाँ पे। उसके बाद अपने पॉइंटर को
सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लेकर आएं और यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे कि अब आपका यह चित्र आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। इसे मिनिमाइज करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और अपने डेस्कटॉप को देखें या आपके पूरे डेस्कटॉप पे सेट हो गया। इस तरह से आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी व्यू विकल्प के कुछ ऑप्शन जैसे कि जूम, रूलर, ग्रिड लाइंस, स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं जूम से क्या होता है? जूम से आप अपने पेज के साइज को बढ़ा सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं, लेकिन पेज का सही साइज 100% होता है। जूम भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि जूम का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब व्यू लिखे हुए विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद अगर आप जूम इन और जूम आउट दो ऑप्शन दिए गए हैं, जूम इन से आप अपने पेज के साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज का साइज बढ़ता जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं अपने पेज को कि आपके पेज का साइज बढ़ गया है। अब इसे कम करने के लिए आप जूम आउट के विकल्प पर क्लिक करें जिससे कि आपका पेज का साइज कम होता जाएगा। अगर इसे परफेक्ट साइज पर रखना है तो आप 100% लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें तो आपके पेज का साइज सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जूम विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं रूलर क्या होता है? रूलर एक स्केल की तरह होता है जिसके द्वारा ड्राइंग बनाने में मदद मिलती है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि रूलर क्या होता है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद रूलर लिखे हुए विकल्प के टिक बॉक्स पर क्लिक कर दें जिससे कि सही का निशान आ जाएगा, जिससे कि अब आपका रूलर शो हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपको रूलर नहीं चाहिए तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। दोबारा से अपने पॉइंटर को यहीं पे लाएं, रूलर लिखे हुए विकल्प पर और क्लिक कर दें जिससे कि रूलर हाइड हो जाएगा। इस तरह से आप रूलर को हाइड और शो कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार पेज का स्टेटस बताता है। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्टेटस बार को कैसे शो और हाइड करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका स्टेटस बार होता है। अभी आपका स्टेटस बार शो हो रहा है, व्यू विकल्प पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें टिक बॉक्स में सही का निशान है जिससे कि पता चल रहा है कि स्टेटस बार आपका शो हो रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो सही का निशान हट जाएगा जिससे कि आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे अब शो करने के लिए आपको अपने पॉइंटर को स्टेटस बार पर लेकर आना होगा और यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सही का निशान बन जाएगा जिससे कि आपका स्टेटस बार शो हो जाएगा। इस तरह से आप अपने स्टेटस बार को हाइड और शो कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है,
अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की क्लास में आप सभी ने सीखा कि एमएस पेंट की फाइल में टाइप कैसे करते हैं, कीबोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल यानी कि फॉन्ट नेम को कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में सीखा कि यह क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं। उसके बाद आपने व्यू मेनू बार के विकल्प जैसे कि जूम इन, जूम आउट, रूलर, स्टेटस बार के बारे में सीखा।